अच्छा बड़ा काम है और अच्छी वोटिंग हो रही है। ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इतने प्यार से, इत्मीनान से, शांति से वोट पड़ रही है और लोकतंत्र में कोई भी दल का भी कार्यकर्ता हो या व्यक्ति हो अपने मत का वो उपयोग कर रहा है, वोट डाल रहे हैं और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है। आप 25 तारीख और 3 दिसंबर का जिक्र करते थे, 1 तारीख तो आ गई, हाँ, एक बाकी तो है। आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, अच्छी रोबस्ट वोटिंग हो रही है, काफी उत्सुकता है लोगों में और लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का इशू है क्योंकि लोकतंत्र में पर्व होता है, अलग विचारधारा, अलग पार्टी, सिंबल, नेता, कैंडिडेट, लेकिन अल्टीमेटली तो जनता ही जनार्दन है और उनके हाथ सब कुछ है। जिसका पक्ष होगा उसका बटन दबाएंगे और ये वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मतपेटी की जो ताकत है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता, सरकार, बड़े बड़े लोग, नेता जिनका बहुत कद है, वो भी शीश झुका के मतदाताओं के बीच आते हैं, आना पड़ता है। तो यही लोकतंत्र की ताकत है। सचिन पायलट की ऊर्जा, विश्वास और सरकार बनने के प्रति जो है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, मैंने बहुत घूमा है, बहुत इलाके को देखा है राजस्थान को, और यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ की जो सोच है, जो मिजाज लोगों का है, उसको मैं थोड़ा जानता हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार स्थिति अलग है। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, हम विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में विधायकों का हमारे पास था, बीजेपी के पास पूरा बहुमत था केंद्र में और राज्य में। तो उस समय संघर्ष किया तो हम 21 से 5 गुना होके हम बहुमत के पास आ गए थे। इस बार हम सरकार में हैं, हम लोगों ने काम किया है, हमारे पास कहने को, दिखाने को बहुत कुछ है और देश में भी बदलाव हो रहा है। 10 साल से सरकार बीजेपी की दिल्ली में है तो वो क्या महंगाई के हाल है, क्या रोजगार के हाल है, सब देख रहे हैं। तो लोग ऊब भी जाते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, तो सबका फायदा पार्टी को मिलेगा मुझे लगता रिवाज है। बदल रहा है। मुझे तो लगता है बाकी तो जनता के हाथ में, लेकिन हमें जो फीडबैक है कि कार्यकर्ता और मतदाता कांग्रेस के प्रति सकारात्मक हैं और जो मतदान हो रहा है वो मुझे लग रहा है कांग्रेस के पक्ष में देखिए, जाएगा। आप हर बार ही कहते रहे कि स्वागत, सत्कार, शाला और माला से कुछ नहीं होगा। भीड़ जो है वो ईवीएम के वहां पर दिखनी चाहिए, उंगलियां वहां दबनी चाहिए। और आज ये टोंक विधानसभा में नजर आ रहा है, अभी तक जिस तरह का वोटिंग चल रहा है, टेंट टेंट में। ये तो अच्छी वोटिंग हो रही है तो अच्छी बात है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, खासकर नौजवानों को, शुरू से ही आदत डालनी चाहिए कि वोट डालकर ही हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। हम वोट डालने जाए ना और फिर नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को कोसते रहें, वो भी गलत बात है ना। अगर अपना दायित्व है वोट डालने का, ये अधिकार दिया है, सबकी वोट बराबर है, बड़ा उद्योगपति है, मंत्री, मुख्यमंत्री और आम व्यक्ति, किसान और नौजवान, सबकी बराबर की वोट है, तो वोट डालनी चाहिए। और मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो इंसान को, मतदाता को अपनी बात कहनी है, सबसे ताकतवर तरीका जो है वो बटन दबाने का है और सामूहिक जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन्स के माध्यम से। तो मुझे लग रहा है अच्छा मतदान हो रहा है और इसमें शुरू में कहा एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है और सब प्यार से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार थका देने वाला था, आज शाम 6 बजे मतदान बंद हो जाएगा। सचिन पायलट किस तरह से आराम करेंगे पहले तो मैं सोऊंगा, बहुत कई हफ्ते हो गए भाग दौड़ करते करते। तो आज जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, जब पेटियां सील हो जाएंगी, तो कम से कम एक अच्छी रात की नींद निकालने का मन है मेरा। 25 और 3 के बीच में पिक्चर देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? अभी पिक्चर बाकी है।